कई बार स्थिति बन जाती है कि आपका हृदय सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो उस राजा ने एक तोता को अपना मित्र बनाया कि अब मैं अपने हृदय की बात इस तोते से किया करूंगा। राजा का मित्र था, तोते के लिए सुंदर हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ एक स्तंभ बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया कि राजा का मित्र है, भला इसे अभाव में कैसे छोड़ा जा सकता है। और उस स्वर्ण मंडित रत्न जड़ित उस सुंदर स्तंभ के ऊपर एक स्वर्ण का पिंजरा रखा गया। राजा का मित्र तोता उस पिंजरे में रहता है। अब राजा नित्य आता है और उस तोते से बात करता है, अपने हृदय की चर्चा करता है। कई घंटे निकल जाते हैं, तीन तीन चार चार घंटे तक उनसे चर्चाएं हो रही हैं। तोता मौन है, वो बीच बीच में थोड़ी आवाज करता है, लेकिन राजा उसे बता रहा है अपनी बात। इससे रानियों को बड़ी असहजता हुई कि राजा हमारे पास नहीं बैठते और अपने मित्र एक तोता के पास बैठे रहते हैं। राज दरबार के लोगों में एक बेचैनी रहने लगी कि राजा मंत्रणा हमसे नहीं करता है, एक तोता से मंत्रणा कर रहा है। लेकिन राजा का यह नियम था कि राज के कार्य निवृत्ति के बाद वहां वो जाके उसके साथ एकांत में कुछ चर्चाएं करता है। एक दिन राजा के गुरुदेव आए और राजा गुरु सेवा में लग गया। अब वो तोते के पास नहीं आ पाया। अब तोते को नित्य राजा के साथ चर्चा करने का एक अभ्यास था, उसका अभ्यास टूट रहा था। नित्य ही तो उसे आदत थी कि राजा मेरे साथ आएगा और तीन चार घंटे वो मुझसे चर्चा करेगा, लेकिन आज राजा नहीं आया। तोता भी बेहद बेचैन हो उठा कि अरे आज तो राजा नहीं आया मेरे पास। उसने खबर भिजवाई तोते ने, लेकिन राजा फिर भी नहीं आया। राजा ने अन्न जल भी भिजवाया तोते के लिए, लेकिन तोते ने उसे ग्रहण नहीं किया कि राजा जब तक नहीं आएगा मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के पास संकेत हुआ, समाचार गया कि आपका मित्र तोता सब त्यागी बन के बैठा है, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा है, उसके कहीं प्राण न चले जाएं। तो राजा दौड़ के तोते के पास पहुंचा, तोते से कहा कि आप कुछ ले नहीं रहे हो। बोले कि तुम मेरे पास नहीं आए इसलिए मैं कुछ नहीं ले रहा था, तुम क्यों नहीं आ रहे थे मेरे पास। बोला मैं आपके पास इसलिए नहीं आ रहा था कि मेरे गुरुदेव आए हुए हैं, मैं उनकी सेवा में हूं, मैं और मेरी पत्नी उनके बर्तन अपने हाथ से साफ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पादुका सेवा करते हैं, उनके लिए स्वयं आहार बनाते हैं। तो वो तोता बोला कि और क्या क्या करते हैं। राजा बोला हम उनसे अपने प्रश्न करते हैं, हमारे जीवन की जो उलझने हैं जिन्हें हम स्वयं नहीं सुलझा पा रहे हैं वो उनसे पूछते हैं, तो वो उनके समाधान देते हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो तोता बोला तो क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी उनसे ले आओगे। राजा बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने गुरुदेव के सामने आप कोई प्रश्न करोगे तो उसे रख दूंगा और वो निश्चित ही उसका समाधान देंगे। तो तोता ने कहा मेरा प्रश्न ये है कि इस जीवन में स्वतंत्र होने का तरीका क्या है। इस जीवन में स्वतंत्र हो जाऊं, सभी जीवित होते हुए भी सभी बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊं, उसका क्या तरीका है, वो कैसे हो सकता है।
कि मैं जीवित रहूं, सबके साथ रहूं, लेकिन मैं स्वतंत्र हो जाऊं, इसका क्या साधन है? तो राजा ने अपने गुरु से तोता का यह प्रश्न कहा कि गुरुदेव, मेरा मित्र है एक तोता, और उसने ये प्रश्न भेजा है कि जीवित रहते हुए भी, परिवार और गृहस्थ में रहते हुए भी, मैं कैसे स्वतंत्र रह सकता हूं? जैसे ही राजा ने ये प्रश्न गुरु के सामने रखा, गुरु मौन हो गए, चिंतन में चले गए। राजा रानी उनकी सेवा करने लगे, गुरुदेव ने बोलना बंद कर दिया, संकेत करना बंद कर दिया। एक दिन निकल गया, अगले दिन फिर गुरुदेव शांति रहे, मौन रहे, कुछ कहा नहीं। उधर तोता भी बेचैन था कि मेरे प्रश्न का उत्तर गुरुदेव ने दिया कि नहीं दिया। दो तीन दिन निकल गए, तोता ने फिर राजा के लिए संदेश भेजा कि राजा को मेरे पास भेजिए। राजा तोते के पास आया, कहा कि आपके गुरु ने कुछ उत्तर दिया मेरे प्रश्न का कि मैं स्वतंत्र कैसे हो सकता हूं? राजा ने बताया, गुरुदेव ने प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं दिया, लेकिन जब मैंने प्रश्न किया, गुरुदेव मौन हो गए हैं, शांत हो गए हैं, शायद वो प्रश्न का उत्तर देंगे। तोता समझ गया, तोता भी फिर मौन हो गया उस पिंजरे में, अब वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो एकदम मौन है, शांत है, न किसी को पुकार रहा है, न किसी को कोई आदेश दे रहा है, न किसी को बुला रहा है, और न किसी के कहने से कुछ कर रहा है। सब बेचैन हो उठे कि राजा का मित्र कहीं अस्वस्थ तो नहीं हो गया, मौन हो गया है, कुछ भी नहीं बोलता है। सभी लोग चिंता करने लगे। राजा दौड़ के आया कि मेरे मित्र को क्या हो गया, कोई समाधान नहीं नजर आया, तोता मौन हो गया। राजा ने पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला, तोता फुर्र हो गया। तो जीवन में तोता ये बात समझ गया था कि गुरुदेव ने मेरे प्रश्न का उत्तर ये दिया है कि यदि जीवन में स्वतंत्र होना है तो अपने अंतःकरण के मौन से वार्तालाप करनी पड़ेगी, क्योंकि सतह ही शोर है, अंतःकरण में मौन है। भारी सफलता के बाद आप मौन हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता। श्री कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन को उठाया और 7 दिन के बाद जब गोवर्धन को रखा, तो यशोदा मां ने जब उनको देखा तो वो शांत हो गई, फिर उसका कोई शब्द नहीं निकला, फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई प्रसन्नता भी नहीं हुई उन्हें कि वो अपने लाड़ले बेटे को गोद में लें और पुचकारें, उसे प्रेम करें, और कोई चिंता भी नहीं हुई उन्हें कि ये 7 दिन से खड़ा है गोवर्धन लेके, क्या थक गया होगा। तो जब अमृतो उपलब्धि होती है, जब इस जीवन की उच्चता की आपको उपलब्धि होती है, तो फिर सबसे पहला लक्षण जो आता है वो ये कि आप मौन हो जाते हैं।